रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का अनुदान मांग पर वाद विवाद हुआ। कई भाजपा के लोग कह रहे थे सफाई दो, भाग गए। हालांकि सच सुनने की हिम्मत नहीं रहे, भाग ही जाएंगे। हमको लगा कम से कम आज तो रहेंगे, कल इतने अच्छे से हम उनको धोए हैं तो उसका तो कुछ जवाब लेके आएंगे। तो आज जो स्वास्थ्य विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है, जो हर एक लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है, लोगों के जीवन का सवाल है, सभी बिहारवासी को, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, बच्चे हों, जवान हों, हर किसी से ये जुड़ा हुआ मामला है। और इतना गंभीर डिपार्टमेंट है, और ये दिखाया भाजपा के लोगों ने भाई कटौती प्रस्ताव भी नहीं रखे, मतलब इनको कुछ मिला ही नहीं। स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से बेहतरीन काम कर रहा है, हो सकता है इनको बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ कमियां निकाल रहे होंगे, कोई कमी नहीं मिली होगी, या तो हमसे डर गए होंगे सामना करने की इनकी हिम्मत भाजपाइयों को, हमसे नहीं, हमने पहले भी कहा नेता विरोधी दल को तो डर लग रहा होगा कि कब माफी बोल दे मांगने। जो तमिलनाडु में जो प्रकरण हुआ, जो शहीद वाला जो हुआ था, जिस प्रकार से झूठ रूमर फैला करके दो राज्यों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा था, हमारे चरित्र पर जो है दाग लगाने की कोशिश की जा रही थी, ये सारा काम जो है भाजपा के लोग जान रहे थे कि हर जगह जो है ये पकड़े गए हैं। और बताइए, जो नेता विरोधी दल सदन में, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग, आप लोग दिखाते नहीं, उस दिन दिखाएं, लेकिन जब अपने बात से पलट गया, माफी नहीं मांग रहे हैं, सदन में खड़ा होकर जो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, अफवाह फैला रहा हो, वो माफी क्यों नहीं मांग रहा, उसका बयान दिखाइए। मांग की थी कि भाई कमेटी भेजा जाए, कमेटी भी गई, जांच हो गया, सब कुछ हो गया, और भाजपा के ही कार्यकर्ता पकड़े जा रहे, भाजपा के लोग ही, आरएसएस माइंड के सोच के लोग, जो गांधी जी के मृत्यु पर जश्न मनाने की बात करते हैं, तो साफ तौर पे ये दिखाता कि किस हिसाब से ये प्लांट किया गया था सारी चीजें, तो ये बोलेंगे क्या। आज लगभग 3 हफ्ता हो गया हाउस चलते हुए, 27 फरवरी को था और 4 तक ये चलेगा, लगभग जो है 3 हफ्ता होने को है, या 1 महीना जो है 27 तारीख को आप समझिए कि हो जाए। इतने दिन में बीजेपी ने कोई गंभीरता दिखाई हो, जनता के सवाल उठाए हो, हाउस को चलने दिया हो। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।